14 अक्टूबर 2021 होता है पंच का क्रैश टेस्ट और सब हो जाते हैं हैरान क्योंकि ये बन जाती है सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया, वो भी टाटा की तरफ से, जो स्कोर करती है ग्लोबल एनसीए में 5 स्टार। और उसके बाद आती है नेक्स्ट डेट जो कि होती है 10 नवंबर 2021। इस दिन टेस्ट होता है XUV700 का और ये बन जाती है सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया पंच को पीछे छोड़ के। इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 41.66। फिर आती है नेक्स्ट डेट 14 अक्टूबर 2022, ठीक एक साल बाद स्कोडा कुशैक और वॉक्सवैगन टाइगून का क्रैश टेस्ट होता है ग्लोबल एनसीएबी में नई रेटिंग्स के साथ और ये लाती हैं 5 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंसी और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों में। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो कि वॉक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशैक है, इसका मैक्स स्कोर है 42-49 में से और इनका 41.66 और 40.89, जबकि इसने चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी 5 स्टार स्कोर करने वाली है, इंडिया की पहली गाड़ी बन गई है। और तो और दोस्तों, ये तब हुआ है जब ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट के अंदर नॉर्म्स को और डिफ़िकल्ट बना दिया है। इसके बावजूद जो हमारी टाटा पंच थी और XUV700 वो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार लेके आई थी आसान वाले नॉर्म्स में, और ये गाड़ी जो कि जर्मन है वो बन गई है इंडिया की सेफेस्ट कार, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में टाटा और महिंद्रा के लिए एक खतरा शुरू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल एनसीएपी ने डिफ़िकल्ट कर दिए हैं क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स को, और नॉर्म्स डिफ़िकल्ट करने के बाद उसमें 4 चीज़ें ऐड की गई हैं। पहली चीज़ है साइड इम्पैक्ट कोलिजन, जिसमें इम्पैक्ट कोलिजन भी मेंशन किया जाएगा अब। सेकेंड थिंग है साइड पोल इम्पैक्ट कोलिजन, जी हाँ दोस्तों, अब पोल इम्पैक्ट कोलिजन भी ऐड किया गया है इस वाले नॉर्म्स के अंदर। थर्ड वन इज़ ECS, ECS ऑल वेरिएंट्स में होना ही कंपलसरी है, तभी वो 5 स्टार रेटिंग में आ सकती है। एंड फोर्थ वन इज़ पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंट्रोल, इसे भी नॉर्म्स में ऐड किया गया है। तो इन सभी नॉर्म्स को ऐड करने की वजह से अब क्रैश टेस्ट रेटिंग पहले से थोड़ी हार्ड हो गई है, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में वॉक्सवैगन और स्कोडा अच्छी पकड़ के साथ टाटा और महिंद्रा को पीछे छोड़ सकती हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।